आज किस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सीढ़ी किस प्रकार बनाई जाती है। जब हम घर में मकान में काम करते हैं तो घर की में सबसे मेन काम सीढ़ी बनाने का। जब भी हम सीढ़ी को बनाते हैं तो उसका कैलकुलेशन क्या होता है। जब भी सीढ़ी बनाएंगे तो सीढ़ी बनाने के लिए हमें सबसे बड़ा सबसे ज़रूरी काम क्या होता है, उसकी जगह। और जब यदि आप घर का नक्शा बनाते हैं तो इंजीनियर खुद ही सीढ़ी का जगह दे देता है, लेकिन यदि आपने नक्शा नहीं बनाया है और काम कर रहे हो तो आपको सीढ़ी की जगह निकालनी पड़ेगी। अब सीढ़ी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सीढ़ी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जब हमारा घर कोई तैयार होता है उसमें सबसे मेन काम या कठिन काम कह सकते हैं वह सीढ़ी का होता है। जैसे सीढ़ी को बनाने में कितनी जगह चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए, कितनी ऊंचाई चाहिए और उसके नीचे हम क्या कोई बाथरूम बना सकते हैं, ये सारी बातें मैं बताता हूँ। इसके पहले आप यदि इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ कि सीढ़ी हम किस प्रकार से बना सकते हैं, उसका कैलकुलेशन किस प्रकार कर सकते हैं। इस वीडियो में जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि सीढ़ी का डायग्राम बना के रखा हुआ मैंने, इसमें मैं आज आपको समझाऊंगा कि जब भी आप अपने घर पर सीढ़ी का निर्माण कराते हैं या करने जा रहे हैं तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि हमारे घर में जो सीढ़ी बनती है वह किस प्रकार से बनती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि सीढ़ी का निर्माण किस प्रकार से होता है तो फिर ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं आपको बताता हूँ कि सीढ़ी को काम किस प्रकार किया जाता है। जब भी सीढ़ी को हमें बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसकी हाइट को नापते हैं। यहाँ पे हमने 10 फीट की हाइट ली है, आप चाहें तो वहाँ पे 7 फीट की हो, 6 फीट की हो, 5 फीट की हो, कोई भी हाइट हो, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, आपने इंचें बदलना है। तो जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ 10 फीट को क्या करना है, हमें इंचें बदलना है। तो 10 का गुणा हम 12 में कर देंगे तो 120 इंच आ जाएगा। जैसे ही 120 इंच आता है तो अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि हम जो ये जो स्टेप होते हैं, स्टेप की जो एक ऊंचाई होती है वह राइजर कहलाता है और स्टेप चौड़ाई जो होती है वह ट्रेड कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, स्टेप की जो ऊंचाई होती है उसे राइजर बोलते हैं और स्टेप की जो चौड़ाई होती है उसे ट्रेड बोलते हैं। अब इसी को आपको ध्यान देना है कि स्टेप की जो ऊंचाई होती है, एक स्टेप की जो ऊंचाई होती है उसे हम राइजर बोलते हैं, जो हम यहाँ पर 8 इंच का बना रहे हैं, और उसी स्टेप की चौड़ाई जिस पे हम पैर रखते हैं उसे हम ट्रेड बोलते हैं, जो हम 10 इंच का बना रहे हैं। इसी से हमें कैलकुलेशन करना होगा कि हम किस प्रकार से सीढ़ी का हिसाब निकालते हैं और कितने हमारे स्टेप बनेंगे, ये सारा चीज़ इसी से निकल कर आने वाला है। तो सिंपल सा तरीका है, आप लोग भी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 10 फीट को क्या किया, इंच बदल दिया तो 120 इंच आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, राइज़र का 120 में भाग करेंगे। तो हमने भाग किया, 8 का भाग हम 120 में करेंगे तो कितना निकल कर आया, 15 निकल कर आया, 15 निकल कर आता है। अब हमें ये पता चल गया कि इस सीढ़ी में जो हमारी सीढ़ी बनने वाली है उसमें हमें 15 स्टेप बनेंगे। और जैसे ही हमें 15 निकल के आ जाता है तो हमें पता लग जाता है कि सीढ़ी की चौड़ाई लंबाई कैसे निकालेंगे। अब ये तो हमने हाइट को निकाल लिया, हमारे ये 8 इंच के जो राइजर है वह 15 निकलेंगे, यानी कि एक बार 8 लगाएंगे, फीता लगाएंगे अगर आप तो 1 8, 2 8, 3 8, 4 8, 5 8, 6 8, ऐसे करके 15 8 करेंगे तो इसकी हाइट निकल जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिए। तो राइजर चलता है हमारा ऊंचाई की ओर, जो 8 8 करके हम 15 बार करेंगे तो 10 फीट की हाइट बन जाएगी। अब करते हैं हम ट्रेड की बात, जो चलता है लंबाई में। जैसे हम यहाँ पे ट्रेड हम 10 इंच का बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टेप निकल कर आए हैं 15 का गुणा हम 10 में कर देंगे या 10 का गुणा 15 में कर देंगे तो 150 इंच आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से सीढ़ी की जो लंबाई होगी वह 150 इंच की होगी। इसको यदि हम फिट में बदल कर देखेंगे तो 12.5 फिट आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 12.5 फिट की चाहिए।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो जहाँ से ये सीढ़ी जहाँ से चलती है और ऊपर चढ़ने के बाद हमें प्लेटफार्म कितने का रखना, 3 फिट का। तो यहाँ से जब दीवार से हम नापेंगे, 3 फिट को अलग करेंगे, यहाँ से नापेंगे यहाँ तक 12.5 फिट की लंबाई होनी चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें 12.5 फिट चाहिए, जबकि ये 3 फिट अगर और जोड़ेंगे तो 15.5 फिट बनेगा। टोटल 15 फिट चाहिए और सीढ़ी की जो स्लैब है, जो तिरछी गई है, इसकी दूरी हमें 12.5 फिट चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया है कि राइजर हमारे ऊपर की ओर चलते हैं, अब ट्रेड हमारे किस प्रकार चलते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है प्लेटफार्म के, देखिए दोस्तों यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है प्लेटफार्म के बाद से 3 फिट हमने ज़मीन पर निकाल दिया है और 3 फिट हमारा प्लेटफार्म है। अब हम राइजर को कैसे चलाएंगे, ट्रेड को हम कैसे चलाएंगे, यहाँ से वापस करेंगे 10 इंच का एक दो तीन चार, इस प्रकार से हम 10 10 10 10 करके कितनी बार, 15 बार करेंगे। जैसे ही हम 15 बार करते हैं तो 150 इंच आ जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 150 इंच की हो गई। अब आप समझ गए होंगे कि राइजर और ट्रेड क्या होते हैं। सबसे मेन बात यही होती है कि स्टेप की ऊंचाई राइजर और इसी स्टेप की चौड़ाई ट्रेड, ये बात आप ध्यान देना। सीढ़ी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसके स्टेप सारे निकल कर आ जाते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि राइजर ऊपर की ओर जाते हैं और ट्रेड लंबाई की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात एक और है कि अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दूरी पता चल गई कि हमें 12.5 फिट की चाहिए। अब जब हम इसकी सेटरिंग करेंगे तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट आता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ तक 12.5 फिट आ रहा, यहाँ से नापा यहाँ तक 12.5 फिट आया। अब इसको क्या करेंगे, हमें 5 इंच की हमें स्लैब डालनी है, तो हमें 5 इंच पीछे से फट्टा लगाना है। ये वाले जो लाइन दिख रही, ये 5 इंच पीछे से फट्टा लगाएंगे ताकि इसके ऊपर जब बजरी आएगी या मसाला आएगा तो वो 5 इंच यहाँ से बढ़ के यहाँ तक जाएगा। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 12.5 फिट टोटल हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे बल्ली रखनी है जो लगानी है प्लेटफार्म के नीचे, उसको भी आप 5 इंच नीचे डाउन करके लगाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो, दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में सीढ़ी के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा, कितना आसान है। तो वीडियो में जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ।